वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल निर्मानु प्रताप। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मानु प्रताप पे। तो आज है होली, मतलब होली का दहन वाला आज दिन है। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी होली जो है हैप्पी रहे हमेशा। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मम्मी घर पे नहीं है, वो अभी तक नहीं आए, वो शायद आ जाएंगे। तो हम तो अपना काम चालू करते हैं अभी से। तो चलिए, यहाँ पे वेजिटेबल्स मैंने कट करती है, दूध गर्म हो रहा है, चाय बना दी, मैं पी रही हूँ अपना दूध। पहले दूध पी लेते हैं, फिर करेंगे आगे का काम। तो अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है और शूट मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी काम ख़त्म करना था, होली थी तो मैं क्या भूल गई थी कि होली है। मतलब मैंने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया रात को कि कल होली है तो मेहंदी लगानी है, क्योंकि अच्छा सेलिब्रेशन जैसा तो कुछ लगता नहीं है होली पे। तो बस वो भी मैं जल्दी से काम फिनिश करके लंच बना के खा के और फिर मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाने वाली हूँ। मैं बिल्कुल भूल गई थी, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मैं मतलब किसी भी त्यौहार के दिन है ना उठ के जो है मतलब मेरे पीहर फ़ोन करती हूँ मैं धूप देने के लिए, और तो इस बार मैंने किया नहीं। मैं मतलब कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी कि होली है। तो आज सुबह सुबह फिर पापा का फ़ोन आया 7:30 बजे के लमसम के, ना आज होली है तो वो फ़ोन नहीं किया धूप देने के लिए। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता था कि जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो सुबह सुबह उठते हैं ना मैं भैया भाभी सब उनके धूप देते हैं, तो पापा ना ऐसे करते हैं ना त्यौहार देते हैं, मतलब उन लोग उनको पैसे देते थे खर्ची के लिए, खर्ची तो वो ही करते थे लेकिन वो उनको पैसे देते थे हमेशा, मतलब स्टार्टिंग से लेती आ रही हूँ, फिर वापस आ गए, फिर वापस आपको मिलते रहे और अब हमारी निशिता हो गई है। तो पापा बस ये बता रहे थे कि बस आज इस बार तेरे पति के पैसे ना निशिता को दे दिए मैंने, बोले तो होता है अब बहुत के बाद में भतीजी आती है। तो अगर पापा का फ़ोन नहीं आता तो सीरियसली मुझे याद भी नहीं आता कि आज होली है। तो बस काम ख़त्म किया, इसके बाद हम जल्दी से रेडी होते हैं और शायद आज मम्मी आ जाएंगे तो मेरे लिए और अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में रेडी होके। और ये मैं हो चुकी हूँ अब एकदम रेडी, कास्ट नहीं आज तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी सबको भूख लगी है तो लंच बनाना है, पूजा मैंने कर ली है, पहले लंच बनाते बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो चलिए चलते हैं नीचे। अच्छा हमारे डिनर में रोटी रायता सब्जी का नहीं सब्जी बोली मेरे को क्या नमकीन से बहुत पसंद है और कलश किशनगढ़ की जो कलश नमकीन है मेरी फेवरेट है तो मैं नमकीन की छात वही रोटी मैंने बनाई बनाई नहीं मैंने हाँ बनाई। तो ये मैंने मेहंदी लगा ली है और जब तो मेहंदी सूख रही थी मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, तो इसको सुखाने के चक्कर में मुझे नींद भी आ गई थी। तो बस अभी जस्ट उठी हूँ मैं, अब चाय बनाएंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं आज। तो यहाँ पे मैंने भी एक सनस्क्रीन ऑर्डर की है, मतलब पहले मेरे पास वाव की सनस्क्रीन थी लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, देखते हैं। पैकेट इतना बड़ा रहता है, सनस्क्रीन देंगे छोटी सी। मैंने इस बार ऑर्डर की है, ये है डर्मा की है, डर्मा सनस्क्रीन एक्वा जेल विटामिन ई फ्रेग्रेंस फ्री एसिड। तो देखते हैं इस बार इस सनस्क्रीन से क्या इफेक्ट रहते हैं हमारे, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और अभी मतलब अभी मैं करूँगी अपना फेशियल, बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं, मतलब फेशियल ही क्लीनअप करूँगी मैं अभी अपना, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ थोड़ी देर, जब तक तो क्लीनअप ही कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेशनेस फील होगी। अभी मम्मी आ चुके हैं, कितने टाइम कैसे लगा? सामान लेने गए थे होली खेल के आए, किसने कलर फ्रेंड थी जो वहाँ पे काम करती है
तो उन्होंने मुझे रख दिया। हाँ हाँ मान गई, पर अभी तो इतना ही क्यों बोल रही हूँ मैं तो। मैंने फोटो भी खींची थी फिर मेरी। रोज आई मैं वेरी गुड कस्टमर। यार रोज पात्र उठ के चले जाते हो तो वहाँ पे दूध लेने तो कस्टमर तो होंगे। फ्रेंच फ्राइज लाए हैं, स्वीट कॉर्न लाए हैं, घी थे सामान, चीनी विनी नथिंग स्पेशल कुछ नहीं लाए मेरे लिए। स्पेशल अपन लाए थे ना। मम्मी इधर आना। हाँ अब हेलो मम्मी चिल्लाओ आप। क्या चिल्लाना है मम्मी? ऐसे सोच रहे हो वाह मेरी बहू कितनी स्मार्ट लग रही। इतनी स्मार्ट बहू कहाँ से आ गई? चिल्लाओ मम्मी चिल्लाओ, डांटो। क्या डांटना है? जबरदस्ती आप ही जैसे नहीं है। ये आपके ना वो सबको यूं बोल रही थी गाय गाय। मम्मी आप मेरे को गाय तो नहीं लगते। देखो नीलम मनुभट्टा भी मॉडर्न स्टार से जो स्कूल जैसे नहीं है। चे 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 नहीं करती है लोगों के साथ। चे 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 करती ये करते चे चे चे। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ कड्डी। ये क्या था? मालपुए वाली हंसी? ये मालपुए वाली हंसी? ये मालपुए वाली हंसी। बस का मतलब आटा लग चुका है, कड्डी बन चुकी है, लापसी बन रही है और होली मंगलने की तैयारियाँ हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। मैंने नॉर्मल जो सुबह सूट पहना था रेड कलर का वही पहन रखा, प्योर का मैंने पहना नहीं क्योंकि हम वहाँ जाते हैं ना, मतलब छत से जो सिर्फ होली की पूजा करनी है। तो मैं चलो ठीक है जो पहना है वही ओके। तो अभी चलते हैं हम छत पे। जा रहा हूँ डांगे और ये क्या बोलते हैं मम्मी इनको और बड़बुले। हाँ जो भी होली मंगल चुकी है। यहाँ से ऊपर अच्छे से और अच्छे से दिख रहा है।
देखी दीदी होली का तो है और अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे, फ्लैश लाइट ऑन ले गई, होली वगैरह देख के उनकी पूजा करके मैं आ चुकी हूँ नीचे। अब मैं बनाऊंगी रोटी क्योंकि लग रही है भूख। मैंने इसके साथ प्रैंक किया, मैंने फोन को छिपा के बोला कि इसका रंग रहा हूँ। क्यों क्यों मंग बच जाती बताना। तो गई डरूंगी मैं। लाना लियो कल एक होती और बोलो गारंटी ले रहा लियो। चलो मैं चलो हेलो कर दे। हेलो क्या कर रहे हो। मैं कौन हूँ निया, मैं कौन हूँ बोल दे। ये तो उसके ढक्कन की है। और अभी हमारे आ चुका है डिनर, हमारे डिनर टेबल पे रोटी कड़ी लापसी मालपुए और ये टीवी। बस अभी जस्ट काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, चेंज मैंने कर लिया और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर सोने। और आपने मेरा हेयर कट देख लिया था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी हेयर कट करवाने की लेकिन टाइम नहीं मिला। और जब मैं करवाने गई तो मैं इतना जल्दी जल्दी में गई थी कि मैं वहाँ पर वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। आई थिंक मेरे बाल यहाँ तक थे, अब यहाँ तक हो गए हैं। तो मैंने अपने आप को एक नया लुक दिया है। मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी कई बार कमेंट किए थे कि आप न्यू हेयर कट ट्राई करो, आप शॉर्ट्स हेयर रखो, आप अच्छे लगेंगे। हाँ तो जिन्होंने भी रिसेंटली कमेंट किया था वो जरूर देखे कि मैंने अपने हेयर जो शॉर्ट करवा लिए हैं। तो आपको मेरा हेयर लुक कैसे लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा या बुरा दोनों बता सकते हैं। कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, कई लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा हल्का हल्का लग रहा है। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, कल संडे का व्लॉग रहेगा। तो आज के व्लॉग एंड में यही कर रही हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। परसों की स्टोरी सुनाता हूँ, इसने बताऊँ क्या क्या आपने उस दिन आप गए थे तो उस दिन आपने बैंगन का भरता बनाया था। तो बैंगन का भरता बनाया वीडियो में।